Hello everyone, welcome to third class of pre-optics. Now today I am going to discuss about some important topic, that is pole, radius of curvature, center of curvature, principal axis, principal focus, focal length, etc. So I am going to discuss this topic. So this topic is very important topic. This is very important. तो नेक्स्ट क्लास रे जिन अपडेट करहबा वीडियो जदि इटा बुझिनि पारलो बले नेक्स्ट क्लास रे जिन लॉन्ग क्वेश्चन टा में डिस्कशन करमा मिरर फार्मूला बोले किना तो इटा जदि बुझिनि थिवो बले सेटा टिके डेराइव करबले प्रॉब्लम बा सो प्लीज कंसंट्रेट टुडे क्लास इज वेरी इंपोर्टेंट सो लेट्स मूव द टॉपिक डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स विद रेस्पेक्ट टू स्फेरिकल मिरर फर्स्ट वन पोल सेंटर ऑफ कर्वेचर रेडियस ऑफ कर्वेचर प्रिंसिपल एक्सिस प्रिंसिपल फोकस फोकल लेंथ एपर्चर ये आम डिस्कशन करम तो दिज आर द भेरी इम्पोर्टेंट फॉर अस इन द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एंड द भाइवा भोज टेस्ट भी आसे क्वेश्चन मैंने तो दिस इज भेरी इम्पोर्टेंट टे कनसेट्रेट करम आसमा तो तार आगे जो टे देखीदेम जे स्फेरिकल मिरर कण तो देखिपा तो डिफाइन द फॉलोइंग टर्म विथ रेस्पेक्ट टू स्फेरिकल मिरर द स्फेरिकल मिरर एक संगे लिंक अच्छे द स्फेरिकल मिरर नहीं जानमा बोले टी फिर भी प्रोब्लेम होगा चांस अच्छे तो व्हाट इज स्फेरिकल मिरर द टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर एंड यूजेस ऑफ स्फेरिकल मिरर से उपरे टी जानमा तो स्फेरिकल मिरर दुई प्रकार रहिसि कनकेव एंड कनभेक्स मिरर तो किन हिसाब से कण दिशि तो किनटा के स्फेरिकल मिरर कह तो सेटा में देखमा तो व्हाट इज स्फेरिकल मिरर सो ए दुईटा मिरर के कहला स्फेरिकल मिरर तो स्फेरिकल मिरर है तो दिस बार ने केतले कहला बिकॉज रिफ्लेक्टिंग सरफेस से पार्ट ऑफ स्फीयर द स्फीयर रो पार्ट उठे हमर काना होचे रिफ्लेक्टिंग होचे तो सेतले स्फेरिकल मिरर कहला द स्फेरिकल मिरर है द टू टाइप्स वन इज द कनकेव मिरर another one is the convex mirror the concave mirror ka hai ko hauche the curve inward ta jodi reflecting hala mile concave mirror ko hala and curve outward ta jodi reflecting surface hala then that is known as convex mirror bujhi hala the concave mirror aur convex mirror kana to then the spherical mirror concave mirror convex mirror to bhi janma hame thik thak re e bhi asma uses of spherical mirror first dekhe tama uses of concave mirror the first point The concave mirror are used in torches and headlights of vehicles. पहले कहाँ कहाँ वाला? Torch light तो use करा हुआ है concave mirror and headlights of vehicles. Vehicle in the sense that may be a car, two wheelers or any type of four wheelers. सेने क्या मार्किंग ने use करा हुआ है? Headlight से use करा हुआ है. तो इटा हुआ है concave mirror use इन टकी. The second point देखना. पहले हमारे कहाँ हुआ है? The concave mirror are used by dentists to see enlarged image of teeth. तो किनके मिरर आर यूज बाय डॉक्टर तो डेंटिस्ट मैंने भी यूज करूछन डॉक्टर मैंने भी जिनटा की टीथ रे प्रॉब्लम थिबा बेले से लगे एनलार्ज में शो करूछे सुने के मैं यूज कर पासो कनके मिरर के तो कनके मिरर आर यूज सेविंग मिरर जे हमें सेव करछो सेविंग कराउ छे मोस्टेज इन द बियर्ड्स देयर आर सो यूज एंड लास्ट वन द कनके मिरर आर आल्सो यूज इन द सोलर कुकर ओके देन यूज इज ऑफ द कन्वेक्स मिरर In the first view, the convex mirror are used as rear view mirror in vehicles. They are preferred because they are given erect and the diminished image. The moreover, they have wider field of view. So, in the point of view, what is erect and diminished? Erect in the sense the upside up and downside down. Image to show. And the diminished in the sense large surface this was it clearly visible in the distance object ke ma clearly dekhi parma to seta ma kino use kara huche vehicle se use kara huche rear view mirror okay the then next second point the second is second use of the convex mirror that is they are suitable for big market to cover corner to reduce the theft cases लेकिन बिग बाजार और बिग मार्केट रे कन्वेक्स मिरर यूज करा हुचे जेने के टोटल कर्नर के हमें कवर कर परमा ओके तो सेटा थेफ्ट केसेस के रिड्यूस करबा लागि थर्ड
they are used as U-turns or road to see the coming vehicle. जिन vehicle टा आसुच है, vehicle टा क्या मैं clearly देखी पास हूँ, जेटा pole. The midpoint of a spherical mirror is called pole. Midpoint of mirror is called pole. देखो इन्हें क्या हमारा spherical mirror का बड़ा part नहीं आई ची, तो इन्हें क्या हमारा कहना चाहिए, इन्हें देखा ही देखी पड़ो तो वो P इन्टा दिया ची, P. तो इटा हला midpoint of the mirror के क्या हो ची, pole. Pole P. The pole is denoted by symbol P. The pole के मैं P रे सूचित कर सूं, pole के P रे सूचित करा हो ची. पोल के कतरे सूचित करा हो ची, P. और इटा के vortex भी कहा हो ची, इटा के vortex भी कहा ची. तो next center of curvature, देख माँ, तो ताके denoted करा हो ची, C रे. Center of curvature, ताके denoted करा हो ची, सूचित हुआ जे C रे. तो क्या नाम हो ची definition, the center of a sphere of which the mirror forms a part is called center of curvature. जिन spherical mirror हो ची, तार midpoint, center point के कहा हो ची, C. यदि इटा जदि हमर पार्ट अछि सर जदि टोटल फुल स्फीयर हे ता ले तार मिड पॉइंट को आउछि सी सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर भी कहै छै तो सी तो इटा होछि सेंटर ऑफ कर्वेचर जानि पारलो तो रेडियस ऑफ कर्वेचर काना को आउछि तब तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इन द सेंस द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड एज रेडियस ऑफ कर्वेचर द डिस्टेंस बिटवीन का कर्वेचर पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर जिन सेंटर ऑफ कर्वेचर सी अच्छे एंड पोल अच्छे से भीतर डिस्टेंस के कहा हो रेडियस ऑफ कर्वेचर ताकि डिनोटेड करा हो कथिरे कैपिटल आर रे द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज डिनोटेड बाय सिंबल आर तो कहना रेडियस ऑफ कर्वेचर डिनोटेड बाय सिंबल आर तो रेडियस ऑफ कर्वेचर के कैपिटल आर रे सूचित करा हो तो जान पारल नेक्स्ट असमा प्रिंसिपल एक्सिस इन द सेंस द लाइन जॉइनिंग बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ द मिरर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस द प्रिंसिपल एक्सिस बोले कौन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल दुईटा के जब जॉइन करदमा और एक्सटेंड करदमा बोथ साइड जब बढ़े दमा जे लाइन एंड एक्सिस सेटा एक कहा होची प्रिंसिपल एक्सिस एटा एक कहा होची तो नेक्स्ट प्रिंसिपल फोकस द प्रिंसिपल फोकस इज डिनोटेड बाय सिंबल कैपिटल एफ रे ताके रिप्रेजेंट करा होची तो प्रिंसिपल फोकस के देखि पर देखो प्रिंसिपल फोकस तो प्रिंसिपल फोकस टा सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल रो मिड पॉइंट रो छी मझारे जिनटा को आउ छी तो मिड पॉइंट ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ द मिरर भी कहि परमो फोकस के और इधरे लिखा ही छी देखो द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस वेयर ऑल द रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आइदर कन्वर्ज और डाइवर्ज आफ्टर रिफ्लेक्शंस इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस द प्रिंसिपल एक्सिस संगे ऑल द रे आर ऑलवेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस तो आइदर कन्वर्ज ही परे और डाइवर्ज भी परे कन्वर्ज किन हवा जिन एक कनकेव मिरर थवा सने के कन्वर्ज हवा एंड कन्वेक्स मिरर रे डाइवर्ज हवा आफ्टर रिफ्लेक्शन तो जिन थरे मीट करू छे दैट इज नोन एज प्रिंसिपल फोकस द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस वेयर ऑल द रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आइदर कन्वर्ज और डाइवर्ज आफ्टर रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस दाखे हमें कैपिटल एफ रे डिनोटेड करा हुआ है तो कैपिटल एफ प्रिंसिपल फोकस और ताके शॉर्टली फोकस भी कहा है इसे प्रिंसिपल फोकस के फोकस भी कहा हुआ है तो नेक्स्ट फोकल लेंथ इन द सेंस द डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड पोल ऑफ द मिरर इज कॉल्ड एज फोकल लेंथ तो फोकस एंड द पोल भीतर जिन डिस्टेंस रहुछि डिस्टेंस बिटवीन एफ कैपिटल एफ एंड कैपिटल पी जिन डिस्टेंस रहला दैट इज फोकल लेंथ हला स्मॉल एफ रे डिनोट करै छै ताकि फोकल लेंथ के स्मॉल एफ रे डिनोटेड कराउछ ताकि स्मॉल एफ रे सूचित कराउछ
capital F and P the distance. The distance between principal focus and pole of the mirror is called focus. Then aperture. Aperture in the sense that is width of a mirror is called aperture. It is also known, it is also represent the size of the mirror. The size of the mirror, then size of the mirror size of the तो सेने को सेटे को आवे छे अपर्चर हला साइज ऑफ द मिरर आ साइज ऑफ द मिरर के को आवे छे अपर्चर हला तो थैंक यू ऑल ऑफ यू तो या बुझी पाल तो मैं आस करू छे हला आ नेक्स्ट वीडियो रे में ठीक ठाक है बुझमा या ठीक देखो ठीक ठाक रे आ तापर प्रैक्टिस ठीक करो ओके थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।